जय श्री कृष्णा बच्चों, कक्षा 3 में आज हम पाठ संख्या 3 शिष्टाचार के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ 3 का एक भाग हमने कल पढ़ लिया था, तो थोड़ा सा दोहरान कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। मगन नाम का एक लड़का था जो बहुत ही अच्छा था, सबको बहुत ही प्यारा था। कल एक मुहावरा भी आया था कि आँखों का तारा होना, मतलब मगन सबकी आँखों का तारा था, मतलब बहुत ही सबको प्यारा दुलारा था, बहुत सबको सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। मगन कभी झूठ नहीं बोलता था, किसी की वस्तु नहीं चुराता था, बुरी संगत में नहीं पड़ता था, कभी अनुपयोगी वस्तुओं को इधर उधर नहीं फेंकता था, कचरा हमेशा कचरा पात्र में ही फेंकता था, कभी भी अपने माता पिता की आज्ञा नहीं टालता था। माता पिता तो क्या, वो अपने पड़ोसी का काम भी कभी मना नहीं करता था। और अगर उसके घर पे, मगन के घर पे कोई मेहमान भी आ जाता था, तो वो बड़े उत्साह से उनका स्वागत करता था, कभी भी उन्हें भगाने की कोशिश नहीं करता था। मगन सदा बड़ों का आदरपूर्वक, बड़ों के साथ आदरपूर्वक व्यवहार करता था, बड़ों की बात कभी नहीं काटता था। बड़ों ने कह दिया तो हाँ, मेरे भले के लिए ही कहा होगा, तो मगन कभी भी उनकी बात को काटता नहीं था, हमेशा शिष्ट भाषा का प्रयोग करता था, हमेशा बड़ों से छोटों से शिष्ट आचरण करता था, अच्छी भाषा बोलता था। कोई उसे कुछ पूछता तो बड़े नम्रता से उत्तर देता था। मगन को कभी गुस्सा आता ही नहीं था, क्योंकि वो सबसे बड़ी विनम्रता से बात करता था। आज हम आगे के पाठ के बारे में पढ़ेंगे। मगन अपने गुरुजी का बहुत सम्मान करता था। गुरुजी का, बड़ों का तो सम्मान करना बहुत अच्छी बात होती है, तो मगन भी अपने गुरुजी का सम्मान करता था, तो हो गया ना अच्छा लड़का, तो इसलिए सब लोग मगन को प्यार करते थे। तो मगन अपने गुरुजी का बहुत सम्मान करता है, वह उनका आदर से अभिवादन करता है। कुछ बच्चे होते हैं कि अरे गणित वाले सर आ गए, अब ये सवाल कराएंगे, अरे इंग्लिश वाले सर आ गए। कुछ बच्चों के लिए टफ पड़ती है, गणित है इंग्लिश है, तो बड़ा गुस्सा करते हैं, अरे ये सर तो आज मेरा होमवर्क पूरा नहीं है, ये सर तो मुझे पिटाई लगाएंगे, अरे मुझे ये सवाल नहीं आता, ये सर तो मुझे डांट लगाएंगे, सबके सामने मुझे डांटेंगे। तो मगर मगन ऐसा नहीं करता था, वो हमेशा अपना काम पूरा रखता था, और जैसे ही टीचर आते थे, जैसे ही गुरुजी आते थे, तो उनका आदर से अभिवादन करता था। कक्षा में उनकी कुर्सी पर कभी नहीं बैठता था। अगर क्लास में गुरुजी को आने में थोड़ी सी देर भी हो जाती थी, तो मगन कभी भी गुरुजी की कुर्सी पे बैठ के बदमाशी नहीं करता था, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाता था। अब कुछ बच्चों की आदत होती है किसी का मजाक उड़ाने की, है ना, तो मगन उन बच्चों में से नहीं था। मगन ने कभी भी किसी बच्चे का मजाक नहीं उड़ाया था। मजाक उड़ाना मतलब जैसे उसको, उसके ऊपर हंसना, जैसे अब किसी बच्चे के चलने में परेशानी हो रही है, उसको पैर से वो अपाहिज है या चलने में उसको तकलीफ हो रही है, तो बाकी जो विकसित बच्चा है, जो सही सलामत बच्चा है, जिसके दोनों पांव सही है, तो वो बच्चे उस बच्चे पे हंसेंगे जो पैर से थोड़ा विकलांग है। तो मगन उस तरह की हरकत कभी नहीं करता था। तो मगन कभी भी बच्चों को मजाक नहीं उड़ाता। अगर किसी बच्चे को डांट पड़ गई है, काम पूरा नहीं करके लाया है, या प्रश्न उत्तर उसको नहीं आया है, तो अगर गुरुजी ने उसको डांटा है, तो मगन उस पे, उन बच्चों पे कभी भी हंसता नहीं था। क्यों? क्योंकि क्या पता कल को उसको भी डांट पड़ सकती है। तो हमेशा याद रखना चाहिए हमें कि कभी किसी को, किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। तो मगन ऐसा कभी किसी पे हंसता नहीं था। किसी कारण से गुरुजी कक्षा में नहीं आते तो उदम भी नहीं मचाता था। अब कभी कभी गुरुजी को कोई काम भी हो जाता था, मॉनिटर को खड़ा कर दिया, तो कुछ बच्चे टीचर से डरते हैं, मगर मॉनिटर को इतना नहीं डरते हैं, तो बदमाशी शुरू कर देते हैं कि कक्षा में गुरुजी तो है नहीं, हम क्या बदमाशी कर देते हैं, गुरुजी आते हैं जितने। तो मगन उन ऐसी हरकतें कभी नहीं करता था, अपना पाठ याद करता रहता है और हमेशा शाला के नियमों का पालन करता है। मगन हमेशा अपनी पढ़ाई करता रहता था, खाली समय है या कुछ भी है तो उसमें अपने पढ़ाई करता रहता था, और हमेशा शाला के नियमों का पालन करता है। शाला नियम मतलब जो विद्यालय के नियम है, जैसे विद्यालय समय पे आना, विद्यालय यूनिफॉर्म में आना, विद्यालय का काम पूरा करना, गुरुजी के साथ आदर सत्कार से व्यवहार करना, मित्रों के साथ आदरपूर्वक व्यवहार करना, शिष्ट भाषा का प्रयोग करना, झूठ नहीं बोलना, किसी बच्चे की कोई वस्तु नहीं उठाना, तो ये सारी बातें थी जो मगन उन्हें अच्छी तरह से अपने दैनिक जीवन में काम में लेता था। मगन जब कभी बाग बगीचे में घूमने जाता है, तो पेड़ पौधों की पत्तियां नहीं नोचता है। नोचना का अर्थ क्या हो गया, या नोचना लिखा है, नोचना का अर्थ होता है तोड़ना।
तो मगन कभी भी अगर बाग बगीचे में घूमने के लिए जाता है तो पेड़ पौधों की पत्तियां या फूल नहीं तोड़ता है, नोचता नहीं है, मतलब नहीं तोड़ता है। तोड़ने से क्या होगा, अगर तुम लोगों को भी कोई थप्पड़ मारे या तुम्हारे कपड़े फाड़े तो तुम्हें कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ना। तो वैसे ही फूलों को भी बुरा लगता है, उनकी पत्तियां तोड़ दो या तुम फूल तोड़ दो तो उन्हें भी बुरा लगता है, उन्हें भी दर्द होता है कि भाई क्यों, भाई मेरे पत्तियां क्यों तोड़ रहे हो, मेरे फूल क्यों तोड़ रहे हो। तो मगन कभी भी पत्तियां भी नहीं तोड़ता था और फूल भी नहीं तोड़ता था, व्यर्थ में कभी फूल नहीं तोड़ता था, कहीं भी किसी जानवर को नहीं सताता था। कुछ बच्चों को बदमाशी सूझती है कि अरे आज तो कुत्ते के पिल्ले को या किसी छोटे से जानवर को हम परेशान करते हैं, उसको कंकर मारते हैं, उसको हाथों से मतलब परेशान करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसको किसी वस्तु के नीचे ढक देते हैं, कहीं छिपा देते हैं। पर मगन ऐसा नहीं करता था, वो हमेशा जीवों के प्रति दयालु था, जीवों पर दया करता था। तो मगन कभी भी किसी जानवर को नहीं सताता था, वह सभी के प्रति सहानुभूति रखता था। सहानुभूति मतलब संवेदना, दया, सबके प्रति दया रखता था। रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डा, सड़क पार्क, सिनेमा घर हो या बाग बगीचा, मगन शिष्टाचार कभी नहीं भूलता। मगन घर, स्कूल, जहाँ भी खड़ा है, हवाई अड्डा खड़ा है, रेलवे स्टेशन खड़ा है, बस स्टेशन खड़ा है, तो वो हमेशा शिष्टाचार का आचरण ही रखता था, मतलब सबके साथ अच्छा व्यवहार ही करता था। अब कुछ होते हैं बस में चढ़ने के लिए कि भी मैं चढ़ूंगा पहले, मैं चढ़ूंगा, बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, अपाहिज है, तो उनको पीछे धकेल दो, मैं पहले चढ़ूंगा, मेरे को पहले सीट चाहिए। तो मगन कभी ऐसा नहीं करता था, हमेशा वो अपने से बड़ों को सम्मान देता था और सबसे शिष्टापूर्वक व्यवहार करता था। अब कुछ बच्चों की आदत होती है, कुछ बड़ों बच्चे क्या बड़े भी होते हैं, आप रेलवे स्टेशन है या कहीं पर भी घूमने के लिए गए हैं या पार्क में घूमने गए हैं तो खाना पीना किया और रेफर है या छिलके हैं वहीं डाल देते हैं, जहाँ जगह मिलती है वहीं डाल देते हैं। तो ऐसा मगन नहीं करता था, हमेशा कचरा कचरा पात्र में ही डालता था। तो मगन जहाँ कहीं भी खड़ा रहता था तो अपने शिष्टाचार को कभी नहीं भूलता था।